बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई माइक है यहाँ पे या नहीं? ये है, ये माइक है या नहीं? नो माइक तो यहाँ नहीं पड़ा हुआ? नहीं। ठीक है, अच्छा प्लीज सब खामोश हो जाएं आप काइंडली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। मैं बस पे जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और आज आपको ज़हमत देने का बुनियादी जो रीज़न थी आपको पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़े जलजले भी देखे हैं सियासी, पर आज का जो जलजला हुआ है पूरी धरती को, पाकिस्तान की सरजमीन को इसने हिला के रख दिया। जो हमने इलेक्शन डे पे देखा था, जो हम पहली रात ही पुकारने लगे थे और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने वो सारा कुछ बयान किया, पर आज तो ऐसा मोजज़ा हुआ जैसे आसमान से गिर के सब कुछ अयां हो गया। और इससे ज़्यादा धमाका खेज, एक्सप्लोसिव कोई एडमिशन हो नहीं सकती थी जो कि कमिश्नर रावलपिंडी, द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन रावलपिंडी डिवीजन, और रावलपिंडी डिवीजन के चार पांच इजला हैं मरी इंक्लूडेड। और सबसे बड़ी जो धांधली तो पूरे पाकिस्तान में हुई कराची तक, पर जो सही वो जो टोका चला था धांधले का वो रावलपिंडी डिवीजन में चला था, क्योंकि बाकी जगह पंजाब में कोई तीन को हराया तो एक जो है हमारा आगे हो गया, वो निकल गया, पर यहाँ पे शायद उन्होंने कसम खाई हुई थी कि रावलपिंडी डिवीजन जिसमें पोठवार आता है, अटक का छछ आता है, हमारा चकवाल का धन्नी आता है, यहाँ पे शायद तहिया था कि यहाँ पे किसी को बचने नहीं देना। अब हाँ जी बताएं आपके पास कोई एविडेंस है, ये हम चीख चीख के पुकार पुकार के बता रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन डे पे हुआ है, लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था, ऐसी ऐसी चीज हुई थी, लेकिन फिर मैंने कहा दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। मैंने अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है एंड उन्होंने, एक उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने अपने आरोप से माफ़ी मांगी, माजरत के आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ फ्रॉम ऑल माई रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब जो हम कह रहे थे वो जो है आज सारा कुछ बयान उन्होंने कर दिया, और यहाँ तक कहा उन्होंने कोई एक्सेप्शंस नहीं की कि रावलपिंडी डिवीजन की इतनी सीट्स में से एक दो, उन्होंने कहा सारी की सारी सीट्स। और ये भी उन्होंने कहा कि जिनकी 50-50 हज़ार की लीड थी हमने उनको हरा दिया, और ये मेरे सर पे बोझ है। एक तो उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं जर्नलिज्म में भी रहा हूँ, उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, जो रिएक्शन आया हमारी बैंकक्रप्ट लीग से वो तो घटियापन की इंतहा है। और भाई आप आंसर करें, जो एलिगेशंस लगे हैं उसका आप रिफ्यूट करें। राणा सनाउल्ला जो खुद इस इलेक्शन में पिट गए, और जब से पिटे हैं आई इनवाइट यू, उनका चेहरा तो आप देखिए, चेहरा जो है वो जो पुराना वो जो रोब राब होता था राणा साहब का मूंछों का, वो रहा ही नहीं इस इलेक्शन के बाद। वो कहते हैं जी मैं जानता हूं, पता नहीं ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, और जब ये इलेक्शन कर रहे थे तो आपको तब याद ना आई ट्रीटमेंट की? तब आपको ये बातें याद नहीं आई? और कोई कह रहे ये फलाने का फ्रंटमैन है, वाह कमाल बात है भाई, पहले कहना था ना, सारा कुछ जब करके तो तालियां बजा रहे थे कि ये है तालियां। वैसे एक बात है, बैंकक्रप्ट लीग जो है
ताली सही तरह बजा नहीं सकी, उनका वो जो है एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल रहा नहीं। लेकिन इतना भोंडा रिएक्शन, जो मैं कह रहा हूँ भोंडा भी नहीं, घटियापन, और थोड़ा सा ग्रेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा दिल तो कुशादा होना चाहिए। एक आपको ये जो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जब ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में पूछा गया अभी कि भाई तो शुरू हो गए 51 से, हाँ जी पहले भी धांधली होती थी, ऐसे भी होती थी, कोई इलेक्शन नहीं है। और खुदा के वास्ते आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट दिस इलेक्शन, ये जो इलेक्शन हुआ है ये आपने क्या किया है? दिस वॉज, ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है, द फर्स्ट, जिसमें रिजल्ट्स को टैबुलेट नहीं किया गया। ये मैं आपका, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पहले होता था बैलेट बॉक्स आपने स्टफ कर दिया, कुछ थोड़े से वोट डाल लिए, थोड़े से निकाल लिए। 77 में ऐसे भी केसेस हुए थे कि बक्से लेके चले गए। ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट ली नहीं गई, सारी रात वो खड़े रहे, बैग्स, वोट्स, फॉर्म 45 अपना लेके, जो उनका ऑफिशियल था, उनसे पूछने की जहमत ना की गई, और बैठ के अंदर आरओ ऑफिसर्स को सील किया गया, ऑल ऑफिसर्स, वहां कोई जा नहीं सकता था, एंट्री सबकी बंद, सवाए जो अंदर बैठे हुए हैं जो मैथमेटिक्स के जौहर दिखाने बैठे थे, और कागजों पे इदाद और शुमार ऐसे किए जो एड अप भी नहीं होते, जो टैली भी नहीं होते। ये सब तो पहले था कि हाँ जी हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया हैज रिकग्नाइज दिस टू बी अ टोटली रिग्ड इलेक्शन, अ फार्स ऑफ एन इलेक्शन। लेकिन आज तो बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सारा कुछ बयान कर दिया गया, कहने को कुछ है नहीं, और कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। आज हवाइयां छुट गई हैं लेकिन कीचड़ उछाली जा रही है। अच्छा देखें, बात यह है कि जिस तरह से आज जो है जो कमिश्नर साहब का जो बयान आया है उस पर एक चीज़ तो वाज़े तौर पर आयां हो गई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो स्टांस था अपनी 13 सीट्स को लेकर वो बिल्कुल जो है वो जायज़ था, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो बिल्कुल अपना सही हक मांग रही थी। जिस तरह का इल्ज़ाम ये लोग आज कमिश्नर पर लगा रहे हैं, जैसे अभी अयाज मीर साहब ने बात की कि इन्होंने कहा कि कमिश्नर जो है वो इनसेन था, तो पिछले 2 सालों से आपने एक इतने इम्पोर्टेंट और इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में आपने एक इंसेन बंदे को कैसे आपने लगाया हुआ था, ठीक है, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि जी कमिश्नर जो है उनका कोई राइट नहीं बनता, ठीक है, ना ही उनको ये अथॉरिटी है कि वो जो हैं वो किसी भी तरह से जो इलेक्शन है उसको जो है मैनेज करें या फिर जो है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो कर सकें। अगर ये उनकी अथॉरिटी नहीं है तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या डीसी उनके अंडर नहीं है, क्या आपके एसीज़ उनके अंडर नहीं हैं, क्या आपके आरपीओ, डीपीओ, डीआरओ, आरओ उनके अंडर नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में किस तरह इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग डे वाले दिन जो हमारे कमिश्नर साहब थे वो वहाँ पर किस चीज़ का मुआयना करने गए थे अगर ये उनको अथॉरिटी नहीं थी? सो ये क्वेश्चन है हमारा जो ये लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं जैसे अयाज अमीर साहब ने अभी कहा, तो ये हमारा सवाल है कि फिर क्यों आपने 2 साल से उस बंदे को इतने मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनका इल्ज़ाम भी बहुत दफ़ा हमारे लोगों पर लगाया गया, उन मेगा प्रोजेक्ट्स पर जो है आपने एक ऐसे बंदे को जो है वो उसकी तायुनाती की हुई थी। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों की आज के इस बयान ने जो आपकी कमिश्नर ने दिया, उस बयान के बाद 2 चीज़ें हमारे पास, पहला एविडेंस था हमारे फॉर्म 45 जो हर एमएनए एमपीए के पास मौजूद हैं, जो हमें हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रोवाइड किए थे,
और वो तमाम जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने प्रोवाइड किए हैं, हमने नेशनल मीडिया को भी प्रोवाइड किए हैं। जिनको नहीं मिले तो वो हमसे ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं अभी भी। दूसरा जो प्रूफ है वो है हमारे कमिश्नर का कन्फेशन। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे हक, अपना हक हासिल करने के लिए बहुत हैं और इससे ज़्यादा हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि इंशाल्लाह ताला मंडे को हम सब एमएनएस और एमपीएस के जिनके ये मसला है, जिनके उस पर रिगिंग हुई है, हम सब इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे और अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमें हमारा हक जो है वो ना दिया और अगर हमारा नोटिफिकेशन ना किया तो फिर जिस तरह का आज एक प्रोटेस्ट आपने देखा है, इंशाल्लाह ताला पब्लिक जो है वो पूरा रिएक्शन आपको फिर देगी, क्योंकि अवामी मैंडेट पे इतनी आसानी से हम किसी को जो है डाका नहीं डालने देंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ओवर टू अबू ज़र भाई। यस प्लीज। देखिए, मैं जो सिमाबिया ने बात की उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा और इस पर हमारी जो लीगल इश्यूज हैं उसको थोड़ा एड्रेस कर दूंगा। हमारे पास जो फर्स्ट पीस ऑफ एविडेंस है दैट इज फॉर्म 40। बैरिस्टर अबू ज़र सलमान नियाजी, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं और खान साहब के और पीटीआई के केसेस भी कर रहा हूं। अच्छा, हमारे पास जो पहली एविडेंस है दैट इज़ द फॉर्म 45, जो मैंने खुद नहीं बनाया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इश्यू किया है मेरे पोलिंग एजेंट्स को, बाकी पार्टीज के भी पोलिंग एजेंट्स को, जिस पे क्लियर लीड आ रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स की। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड पीस ऑफ एविडेंस है वो है स्टेटमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नहीं है लेकिन बाकी पार्टी से कंटेस्ट कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस, हमारे जेलम के कैंडिडेट थे NA-65 के, नॉट जेलम, लाला मूसा से, सैयद वजाद शाह साहब, उस वो कमरोजमान कायरा साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि उसमें वजाद शाह साहब जीते हुए हैं, मैं भी हारा हूँ, लेकिन जो थर्ड पोजीशन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट है उसको फर्स्ट कर दिया गया। इसके अलावा हमारे पोलिंग एजेंट्स की स्टेटमेंट्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है, सब्सटेंशियल एविडेंस है कि हम अपना केस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक तो हमने मीडिया को भी सारी एविडेंस प्रेजेंट कर दी है, उसके अलावा जो कोर्ट ऑफ लॉ में है फिलहाल तो हम इलेक्शन कमीशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पे नेक्स्ट वीक हम सारे हमारे केसेस लगे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त ये है कि ये जो सीरियस किस्म की आखिरी एविडेंस जो हमारे पास आई है दैट इज़ द कन्फेशन ऑफ द ऑफिसर जो इन सबको हेड कर रहा था। देखिए, कमिश्नर कोई क्लर्क नहीं है, कमिश्नर के नीचे आपका डीसी सारे काम करते हैं, उसके नीचे आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग टू जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो सारे वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से सारी हायरार्की आपकी पूरी डिवीजन की वर्क्स अंडर द कमिश्नर। अ स्टेटमेंट फ्रॉम द कमिश्नर कैन नॉट बी टेकन लाइटली, दैट इज एडमिशन एंड कन्फेशन ऑफ अ क्राइम कि ये क्राइम कमिट हुआ है। वो क्राइम क्या है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स का मैंडेट चोरी हुआ है, चोरी भी नहीं हुआ, इस पर डाका मारा गया है, दिन दिहाड़े डाका मारा गया है। इसके अलावा देखें, हमारी अब इल्तजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अभी तक आपने जितने फैसले किए हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी भी नुकसान हुआ है, उसके अलावा सियासी भी नुकसान हुआ है। अब आपने देख लिया इस मुल्क की अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और अवाम की विशेज एस्पिरेशंस जो हैं, जो उनको आईन पाकिस्तान कहता है जो पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा, अगर उस पर डाका मारा गया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ बिठाया गया है, जो टैक्स पेयर की सैलरी आप ले रहे हैं इस वजह से कि आप इंसाफ करें। आर्टिकल 218 आईन पाकिस्तान का कहता है इट इज़ योर ड्यूटी टू इंश्योर द इलेक्शन आर हेल्ड इन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सो फार आप इसमें फेल हुए हैं, अभी भी आपके पास चांस है कि अपने आप को इसमें एब्जॉल्व करें और इस मुल्क में इंसाफ करें। ये मेरा जाती इशू नहीं है, ना सिमाबिया साहिबा का इशू है, ना इवन इमरान खान साहब का इशू है, ये पाकिस्तान की 9 से 10 करोड़ जो अवाम है, जो निकले हैं, जिन्होंने वोट दिया है अपने कैंडिडेट्स के, उनके हक पे डाका मारा गया है। अगर इसका अजाला ना किया गया तो इस मुल्क
की आवाम का इन इदारों के ऊपर जो एतमाद है वो कभी बहाल नहीं होगा। और यही चीज़ इस मुल्क की जुडिशरी को भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुडिशरी सिर्फ फंक्शन करती है जब पब्लिक का कॉन्फिडेंस हो उनके ऊपर। अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज कर जाए, ये वो आवाम है जिन्होंने आपको आपके टैक्स से जो आप तनख्वाहें लेते हैं उन्होंने वोट दिया है, वो बड़ा सोच के आए थे कि हम अपनी मर्जी से, आईने पाकिस्तान की जो रूह है, जो स्पिरिट है, जो कहता है कोई पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा सिर्फ विल ऑफ द पीपल के थ्रू होगा, उसके अलावा उसकी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं इंसाफ करेंगे तो खुदारा आपके ऊपर जो एतमाद है वो आवाम का ख़त्म हो जाएगा। मैं जुडिशरी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर सीरियस एक्शन लें और इंश्योर करें कि इस मुल्क में ऑर्डर वही इस्टेब्लिश हो जो विल ऑफ द पीपल के थ्रू है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स हमें रूल करने के लिए आईन इसकी इजाज़त नहीं देता, हमें 1-1.5 साल हो गए हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इस तरह नहीं होगा। या बाहर से आप लोग ले आए स्पेशल, उनको यहाँ पे हमारे ऊपर मुसलत कर दें जो 15 सीटें भी नहीं ले सके इस इलेक्शन के अंदर। तो इस वजह से जो आवाम चाहती है, क्योंकि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है डेमोक्रेसी में, खल्के खुदा जो है उसके पास ही जाएगी। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके बाद जो ताकत है वो आवाम की है और ये सेक्रेट ट्रस्ट है। हमने जमहूरियत को अगर इस मुल्क में ग्रो करना है, प्रोग्रेस करानी है, द ओनली वे इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर हमारा मैंडेट हमें नहीं दिया गया, हम कानूनी जंग तो लड़ेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, और हम इस तरह केसेस को छोड़ेंगे नहीं कि जी 2-2 साल 3-3 साल केस डिसाइड नहीं हो रहे। हम हर तारीख पर जाएंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे इनका केसेस का फैसला हो, और साथ साथ सियासी जंग सड़क पे भी जारी रहेगी लेकिन कानून और आइन के दायरे में रह के, क्योंकि मेरा बुनियादी हक है, आर्टिकल 16 कहता है, 17 कहता है कि मेरा फ्रीडम टू एसोसिएशन, मेरा राइट टू लॉफुल असेंबली, मेरा कानूनी हक है। ये दफ़ा 144 आप नाफिज कर दें, आप ये गैर कानूनी गैर आइनी है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा राइट है, हम अफरा तफरी नहीं करेंगे, ना हम कोई कानून तोड़ेंगे, लेकिन राइट टू असेंबली ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती है, मेरा आइन कहता है, मेरी हाई कोर्ट की जजमेंट्स कहती है, मेरा राइट है, ये हमसे कोई नहीं ले सकता। थैंक यू। क्या इस बारे में सबूत नहीं है? सबूत, इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है? देखिए, लिंचपिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज द कमिश्नर। ऑल ऑफिसेस इन द डिवीजन are subordinate to the commissioner. Commissioner एक चीज कह रहा है, वो बात खुदकुशी तक की कर रहा है, माफी मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे, मैं पुलिस के हवाले अपने आप को करता हूं, वो कहता है मुझे कचहरी चौक में आप टांग दें, इससे ज्यादा ही स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, वो जो कहते हैं ना सोल, एंग्विश्ड सोल से वो बोल रहा है। देखिए, वन कैन पुट एनी इंटरप्रिटेशन बट टेक हिम एट हिज, वो जो फेस वैल्यू है, कहां से वो आया है, कंडक्ट इलेक्शंस किए हैं, एंड इज अक्यूजिंग ऑल्सो, मैं यहां कहना नहीं चाहता, बट ही ऑल्सो टुक द नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑल्सो द चीफ जस्टिस, कि वो भी इसमें मुलव्वस है। अब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के रोल के बारे में कुछ कहूंगा तो वो गुस्ताखी के जिम्मे में आएगा और कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो बन जाएगा। पर मैं अगर बयान आपको करने लग पड़ूं, द रोल ऑफ द जुडिशरी एंड द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो रात मेरे ख्याल बीत जाएगी और कहानी ख़त्म नहीं होगी। और ये एक मैं ये भी बात बता दूँ कि आपसे बाखबर लोग इस मुल्क में और कोई नहीं है। ये जो मैं बयान कर रहा हूं, आपका दिल भी इसकी गवाही दे रहा है और आपने सब ये देखा है, इससे ज्यादा और प्रूफ क्या हो सकती है? एक चीज और मैं कहूंगा, भाई 2-3 जर्नलिस्ट को बिठा दें इलेक्शन कमीशन के साथ और कह दें कि ये जो हम बैठे हुए हैं, हमारे फॉर्म्स 45 लेके 2 कैलकुलेटर करके आप ऐड करते हैं, एक वो एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक
जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं, फॉर्म 45 हमने थद्दे बनाए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, ओरिजिनल फॉर्म्स को हमने घर में रखा हुआ है। मैं ओरिजिनल फॉर्म्स कल लेकर आया था और तीन आदमियों ने कहा ये आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हिफाजत से रखें। इन्होंने कॉपीज बनाई हुई, अच्छे भले पैसे खर्च करके पूरी किताबें छापी हुई हैं, वो कुछ देखे तो सही ना, ऐड तो आप कर देना। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं जो मेरी कंस्टिट्यूंसी में हुआ है। मेंबर्स जो दूसरे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ऐसे ऐसे फिगर्स दिए गए हैं जो उन्होंने लिए नहीं हैं, उनके वहम गुमान में नहीं था। एक पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, उसे 12,000 वोट मिलते हैं, उसे 74,000 दे दिए जाते हैं। भाई ये कैलकुलेटर का हमें बता दें, ये कौन से कैलकुलेटर्स हैं जिससे 12,000 74 बन जाते हैं। हमने शायद आगे भी इलेक्शन लड़े, हमारे फायदे की बात होगी, हम थोड़ा ये मल्टीप्लिकेशन तो सीख जाएं। जो ये इलेक्शन कमीशन और इसका हुआ है, कुछ इस मैथमेटिक्स और रियाजी से हम भी फायदा उठा लें। मैं ये आपको कह दूं, बड़े इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ऐसा जो है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे गुजारिश की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट्स लेने का तकल्लुफ ही नहीं किया गया और अपनी मर्जी से कर दिया है, हमें बता तो दिया जाए। और एक और चीज, साइन करा के आप फॉर्म्स 45 अगर बनाते हैं वो तो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, आप फोर्ज कर रहे हैं। सामने तो करें ना, कंपेयर कर दें। इलेक्शन कमीशन के दो मेंबर्स, तीन मेंबर कहे हाँ भाई लाओ अपने फॉर्म 45, बिठा दें वहां पे डिस्ट्रिक्ट या इलेक्शन कमीशन के आदमी, ऐड करो भाई और आप अपने बताओ। दूध का दूध, ये बाय द वे पीएमएल नून का फेवरेट फ्रेज है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो ये करें तो सही ना। देखिए वो हमारे आजकल की इस्तलाह में दो तीन टर्म्स जो हैं काफ़ी फेमिलियर और पॉपुलर हो गए हैं, फेमिलियर और पॉपुलर हो गए हैं। एक है कि वो कौन आए थे, ना मालूम आए थे। मैं भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले मेरे हलके से 7, 8, 9, 10 आदमी उठा लिए गए, किसी थाने में रपट या पर्चा दर्ज ना हुआ, हमें नहीं पता था किस मुकाम पे हैं। उनमें से 3-4 आगे हैं, 2-3 नहीं आए। पूछा गया कौन है, तो अगर आप मुझसे खिलवत में पूछें तो मैं आपको बता दूंगा, खिलवत में ना पूछें तो मैं कहूंगा कुछ ना मालूम थे। उनका डाकखाने का एड्रेस मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा, तो मेरा ख्याल है ये आपको पोस्टल एड्रेस जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि, और जो रिलीज हुए उन्होंने लिख के दे दिया कि हमें किसी ने नहीं लिया, हम कहीं काम के सिलसिले में वहां गए थे, तो घर से कोई 5-6 दिन हम लापता हो गए, हम नहीं होगी, पर मैं वो पोस्टल एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मुतले कर दूंगा। ना ना ना, मैंने कहा मैं तो मेरी जबान से ऐसा ना हो जुमला, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन तो इतना कामयाब रहा, इतना इफेक्टिव रहा, इतना हुनरमंद रहा कि ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। उनको तो हुनरमंदी का कोई तमगा मिलना चाहिए, तमगाए वो क्या है, तमगाए हुसने कारकर्दगी, वो मिलना चाहिए।
क्या क्या हो गया? साड़ी गर्ल हो गई है, उन्होंने कहा था फिल्म बनाना। वो सारों को बता रहे थे साड़ी गर्ल हो गई है, बात उनकी गर्ल हो गई थी। सिर्फ एक चीज निकल आई जो अवामे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग जो हैं, इन्होंने वो गल को खराब कर दिया, नहीं तो गल तो हो गई थी। ये तो जो वोट शहरयार साहब को पड़े हैं और जो बाकियों को पड़े हैं, इसने सत्यानाश कर दिए सारे का। वो जो गल हो गई थी और गल बर्बाद कर दी थी उन्होंने। मुझे तो मीर तके मीर का शेर याद आ रहा है, मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के, अब मैं वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर, उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं तो सादा तो हम हैं। अब वो पता नहीं आपके वो जहन पे वो फैज साहब क्यों चढ़े हुए हैं। मैंने वो उनकी एक, अब मैं उनके क्या वो खानदान का हस्बे वो जो है वो सारा वो बताऊं, इशू वो नहीं है। लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द इशू, क्योंकि वो बड़ा आप जो कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और उस पर मैं पूरी एक डिस्क्विजिशन दे सकता हूँ। पर मसला यहाँ पे इस इलेक्शन का है कि इसमें यहाँ क्या हुआ, ना कि ये कि मैंने एक अपनी इलेक्शन मीटिंग में फलाने गांव में कहा कि मौजूद हैं वो मेरे ख्याल है इलेक्शन वाला जो ये चीज़ है। देखिए इसने, मैं और कोई लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, इस इलेक्शन ने पाकिस्तान को डैमेज किया है। पीटीआई को आप रहने दें एक तरफ, ऐसे करके हम अपने मामला चलाएंगे कैसे, इनसे क्या हुकूमत बन पाएगी, ये कुछ कर पाएंगे? और ऐसे इलेक्शन से कोई क्रेडिबिलिटी, कोई लेजिटिमेसी का सवाल पैदा होता है? मतलब ये मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। तो ये पीटीआई को आप एक तरफ रखें, ये जुल्म ये मुल्क के साथ हुआ है। हमने मामला, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी क्या है, इतनी प्रिकेरियस है, उससे आप यहाँ पे आप होप कर सकते हैं कि एक बैंकरप्ट लीग जिसको आपने सहारे दे के आगे किया है, लेकिन वो आगे कामयाब नहीं हो सकी, गल हो गई थी लेकिन काम बीच में खराब हो गया, तो क्या हम मामलात कैसे चलाएंगे इस मुल्क के? एक मिनट प्लीज, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दो चीज़ों की आपको वजाहत कर दूँ जी। सबसे पहली चीज़ जो है कि आज अगर आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो जो उनका गम और गुस्सा था, जिस तरह वो चीख रही थी, जिस तरह वो चिल्ला रही थी, सबसे पहले तो हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इनके तमाम जुल्म और जबर को, इनकी तमाम साजिशों को अल्लाह के फजलो करम से अपनी वोट की ताकत से नाकाम बनाया। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात जिससे उन्होंने शुरू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो है हलका 49, जहाँ से मेरे वालिद मेजर ताहिर सादिक साहब जो हैं वो 65,000 की लीड से वो सीट जीत चुके हैं। अब वो जो बात कह रही थी, या तो उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था या उन्हें समझ नहीं थी। जो कमिश्नर साहब ने बात कही है वो उन्होंने ये कहा है कि जो 70,000 की लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको हमने हरवाया है।
तो मेरे वालिद 65,000 की लीड से हल्का NA 49 से जीत चुके थे। आपने जो PMLN के कैंडिडेट हैं शेख आफ्ताब साहब, वो 9,500 की से उनको जितवाया गया, तो उस 9,500 प्लस 75,000 उनका मतलब कहने का ये था कि 75,000 वोट्स का फ्रॉड और घपला हुआ है। तो पहली तो ये क्लेरिफिकेशन हो गई। दूसरी, उन्होंने जो बात कही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 दिन इंतज़ार करता रहा कि लोग हमारे पास अपनी शिकायत लेकर आएँ, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। हम 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। जो पहला उनका ऑर्डर था वो ये था कि RO के पास आप जाएं और 45 के मुताबिक जो फॉर्म 47 है वो हमारी गैर मौजूदगी में या मेरे इलेक्शन एजेंट की गैर मौजूदगी में वो फॉर्म जो है वो इशू है। हम वो लेके RO के ऑफिस गए, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। जब हम वो लेके RO ऑफिस गए तो RO साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो गायब थे, वो हमें किसी जगह नहीं मिले, RO के ऑफिस में ताले लगे हुए थे। हम दोबारा वापस गए नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन दोबारा, वहाँ से उन्होंने हमें दोबारा ये ऑर्डर दिया कि अब आप DRO के पास जाएं, और DRO साहब को पाबंद किया कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक इनको बिठा के फॉर्म 47 शाया करें। जब हम दोबारा DRO साहब के पास गए तो वो भी गायब थे, दफ्तर में ताले लगे हुए थे। अब हम तीसरी दफ़ा दोबारा इलेक्शन कमीशन आज गए हैं, साथ साथ इलेक्शन कमीशन से के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि अगर आपके आरओस और आपके डीआरओस आपकी बात आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये क्या इलेक्शन है। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो आज इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने कहा कि कमिश्नर साहब से कौन मिल रहा था, कौन फ़ोन पर बातें कर रहा था, क्या वो खा रहे थे, क्या वो पी रहे थे, कब वो सोते थे, कब वो उठते थे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अगर आपके बकौल वो इल्ज़ाम है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको आप बुलाएं। इसमें बहुत सादा सा फार्मूला है, इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि उनका इल्ज़ाम है, तमाम कैंडिडेट्स जितने भी पिंडी डिवीज़न के हैं आप उनको किसी भी जगह बुला लें, मीडिया के तमाम नुमाइंदगान को बुला लें, हम अपने फॉर्म 45 ले जाएंगे, आप DROs को पाबंद करें, आरओस को पाबंद करें पिंडी डिवीज़न के, वो तमाम लोग वहाँ पे आ जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। इसमें हमें इसको उलझाने की ज़रूरत नहीं है इस इशू को कि कौन उनसे मिल रहा था, क्या वो खा रहे थे, क्या वो पी रहे थे। इसका सादा सा और सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप आईन और कानून के मुताबिक अगर सारी चीज़ें चाहते हैं और अगर आप क्लेम करते हैं कि आप जीते हुए हैं, हमारे पास हमारे तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं, आप जो जगह सेलेक्ट करेंगे वहाँ हम आ जाएंगे और तमाम आरओज और डीआरओज आ जाएं और इस चीज़ का जो है वो जो है क्लैरिटी के साथ लोगों को समझ आ जाए। थैंक यू। मैंने बात करनी है बेटी, इधर आ जाएंगी। मैं I am Colonel Shabir Awan from PP7. My result was declared and I had won the election 6,570 votes. Uske baad I was persuaded to join Noon League. I said I cannot betray Imran Khan and my voters 73,000. So they told me that your seat will go. Main kaha let it go. Recounting was ordered aur mere 13,000 vote jo hain 13,000 vote unko double stamp laga ke अंगूठा लगा के मेरा जो अपोनेंट था उसको 3,600 वोट से जिता दिया गया। और ये मेरे पास फॉर्म 47 भी है, फॉर्म 45 भी है, ऑल द एविडेंस आई हैव दैट आई हैड वन इलेक्शन। फोन किसका आया था, किसका फोन था, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। इस तरह नहीं होता है। अच्छा फोन वो नहीं आता है, ये वो बातें होती हैं यार। आई वॉज परसुएडेड, ठीक है, ये फोन वोन वाली बात ही होती है ना, ये इसमें मैं नहीं बता सकता क्या किस तरह जो भी किया गया। बट आई अच्छा इसमें टाइम अभी जाए ना मेरी, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, जस्ट ए मिनट शिराजी, इसका यही बात है कि आई बी परसुएडेड। टेक अ भाई,
अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आई एम मेजर रिटायर्ड लतासब सत्ती, NA-51 मरी कोटली सतिया कोटा एंड कलर, चार तहसीलों पर मुश्तमल हल्का। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, जैसे बुजुर्गों ने बताया कि उस चट्ठा साहब का, लियाकत चट्ठा जो हैं कमिश्नर, उनका ज़मीर जाग उठा और उन्होंने वो सारा सिलसिला जो है वो सामने कर दिया, जो कि हमसे छुपा के उसके ऊपर बहुत बड़ी वारदात हो रही थी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की नेक नीति है, उसका मखलसपन है, उसका इस मुल्क और कौम के साथ लगाव है, जिसकी बिना पे उसने गोलियां खाई, उसको जेल में डाला, सारा सिलसिला किया, लेकिन वो बंदा जो है वो उसने हार नहीं मानी, हकीकी आज़ादी से वो पीछे नहीं हटा। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से एक कमिश्नर लेवल का बंदा उठ के वो गवाही दे रहा है कि जो कुछ हुआ है वो सारे का सारा गलत हुआ है। ये आप सब लोग, आप सब ने लोगों ने वोट डाली होगी, मैं इमरान खान की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस जोश से, जिस जज्बे से, जिस तरीके से आप लोगों ने इस दफ़ा वोट डाल के इनका तिया पहुंचा कर दिया, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरी 77 साल की ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा कि इलेक्शन, जिस तरीके से बुज़ुर्गों ने बताया कि इतने रिग्ड होते हैं और इस तरीके से किए जाते हैं, इस तरीके से आज दिन तक ये मामला नहीं किया गया। उस रिगिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, मैं अगर उसकी डिटेल में जाऊं तो वो आपका और टाइम ज़ाया होगा। बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे बेटी ने बताया कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, ओरिजिनल मौजूद हैं, जिनके ऊपर उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन अंगूठे मौजूद हैं, वहाँ पर जो एजेंट हमारे बैठे थे उनके साइन मौजूद हैं, ओरिजिनल हमारे पास मौजूद हैं, हम वो लेके आते हैं। हम सब की, ये जितने भी यहाँ हैं, ख्वा वो MNA के कैंडिडेट हैं या MPA के हैं, हमारी डिमांड ये है कि उस फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर किया जाए। यही हमारा हक बनता है और यही उसके फ़राइज में शामिल है कि उन्होंने जो हलफ उठाया हुआ है उस हलफ की वो पासदारी नहीं कर रहे। उन्होंने RO ऑफिस को सील करके, बंद करके, अंदर अपनी मर्जी के रिजल्ट बनाने की जो कोशिश की है, मैंने तो अपने RO के खिलाफ मैं FIR कटवाने के लिए चला गया, दो जगहों से वो होके नहीं हुई, तो फिर मैं जो है ना वो 22A के तहत गया, मामला इन प्रोसेस है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, मैं भी फौजी आदमी हूँ, लेकिन ये मामला जो है, जो कुछ हो रहा है ये टोटली गलत हो रहा है। इससे पहले ये आवाम का पैसा लूटते रहे, आज इन्होंने आवाम का मैंडेट लूटा है, नहीं लूटने देंगे हम इसको, इंशाल्लाह किसी सूरत में नहीं लूटने देंगे। और इस ये कमिश्नर साहब ने जो बात कही है ये 100% ठीक है, कमिश्नर के नीचे DC DRO है, उसके बाद ROs जो हैं वो उसके अंडर कमांड हैं, वो जाके अगर अटक में जो है ना वो पोलिंग स्टेशन को विजिट करता है और देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसकी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नीचे उन लोगों को ऑर्डर दे कि आप सही काम करें, उसने जब ये ऑर्डर नहीं दिया और वो काम होता रहा तो आखिर अल्लाह ताला ने कर्म किया और उसका ज़मीर जाग उठा और वो बोल पड़ा। जब वो बोल पड़ा तो उसके मुताबिक अभी इस मामले को हम किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। जैसे इन्होंने डिसाइड किया है कि मंडे को जो है हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, अगर वो बात मान गए तो ठीक, अगर ना माने तो हम आखिरी हद तक जाएंगे और अपना हक जो है वो ले के रहेंगे। मैंने सुना नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं।